हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आशा उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। कितना हो रहा है टाइम? 11 बज गए शायद, लगभग 11 से ऊपर हो गया टाइम। तो 11 बजे से मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और अभी हम दोनों जा रहे हैं मार्केट। तो भाई, जो घास था कल ना, कम से कम 20-25 तो कटोले रहे होंगे, तो वो घर लेके गए हम। तो आफत इतनी ज़्यादा आ गई ना, क्या बताऊँ दोस्तों। बट अभी हम जा रहे हैं श्रीनगर, क्योंकि जो छोटे का नामकरण तो अभी हुआ नहीं, तो नाम रखते हैं। तो कल नामकरण है, उसका सामान वगैरह भी लाना है और जो जन्म प्रमाण पत्र होता है तो वो भी बनाना है, क्योंकि उस टाइम उस दिन हमने बनाया नहीं था जल्दीबाजी के चक्कर में। तो आज जा रहे हैं हम दोनों, और सुम्मी और अंजलि भी जाएंगे। ऐसा हो सकता है हम जाएँ और अंजलि और सुम्मी ना जाएँ, तो वो भी जा रहे हैं। वो तो शायद निकल गए होंगे, लेकिन अभी हम जा रहे हैं। और शायद मेरी मम्मी को भी बोला है नामकरण में आने के लिए, तो पता नहीं आती कि नहीं आती। आ जाएगी तो अच्छी बात है, ना भी आए तो अच्छी बात है। बस आप ब्लॉग में बने रहो, ब्लॉग देखते रहो। गाइस, आप देख रहे होंगे ना कितनी भीड़ हो रखी है, गाड़ी इतनी सारी है। तो गाइस, हम श्रीनगर से भी घर आ चुके हैं और अभी मैं बना रही हूँ रात का खाना। अब मुझे ना, हम देर से आए अभी घर, और तो मैं सीधे आके खाना ही बना रही हूँ, क्योंकि मुल्ले गांव में रुके थे, खाना वाना हमने वहीं खाया है। और हॉस्पिटल में ना थोड़ा लेट हो गई थी, तो इसलिए हम लेट से आए। बाकी सुम्मी लोग भी नहीं मिले हमें वहाँ श्रीनगर में, हमें सुम्मी मिला अभी तो मुल्ले गाँव में, बाकी कोई नहीं मिला। और हम आगे थे घर, तो आज आ रही पूनम दी की मम्मी, सासू जी, मतलब सासुई जी हुई, तो मतलब उनकी मम्मी आ रखी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अब छोटू का नामकरण है कल, तो उसका नामकरण है, इस वजह से वो भी आए हैं। बाकी दी लोगों को भी बोला शायद, मुझे तो अभी इतना भी नहीं पता कि किस किस को बुला रखा है, किस किस को नहीं। मुझे कुछ ही नहीं पता कि क्या है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, मुझे अभी कुछ ही पता नहीं। मुझे इतना पता है कि पूनम दी की मम्मी आ रखी, औरों को मुझे किसी का भी पता नहीं किसको बुला रखा है किसको नहीं। बाकी कोई बात नहीं, तो कल ही पता चलेगा कौन आता है कौन नहीं। बट अभी हम बना रहे हैं खाना, खाना मैं ही बना रही हूँ आज, और खाने में बना रही हूँ चिकन रोटी सब्जी। और वो गाइस, लाइट चलेगी, मुझे लग रहा है आज मेरे चिकन नहीं बनने वाला है, क्योंकि लाइट गई। तो गाइस, ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है, घर में बनाया है, तो इसको डाल रहे हैं इतना। थोड़ा सा और डालेंगे फिर कम लग रहा है। अब डालेंगे हम चिकन, तो दोस्तों ये मैंने ग्रेवी बना दी है, प्याज टमाटर की वेज ग्रेवी। तो देखो कितनी अच्छे से बना रखी है मैंने। पहले मैंने किया प्याज भूना, थोड़ा सा ब्राउन होने देना था प्याज को, उसके बाद टमाटर डाले, फिर अच्छे से उसको पकाया, फिर उसमें नमक मिर्च डाला, फिर उसको मिक्सी में ग्रेव किया, ग्रेवी बनाई थी। आप ये सोच रहे होंगे ना, इसमें कुछ भी नहीं डाला और सीधा चिकन डाल दिया, तो क्योंकि मैंने ना ये जो ग्रेवी है वो पहले से पका रखी है, इसलिए मैं तो चिकन भून रही हूँ ताकि जल्दी पक जाए। अगर मैं ग्रेवी डालती तो थोड़ा टाइम लगता, इसलिए मैंने सोचा ऐसे डालते हैं। तो दोस्तों, जो कि आपने कढ़ाई देखी होगी तो आपको पता है कढ़ाई बहुत टाइम से चल रही हो, और मैंने बहुत बार ब्लॉग में भी दिखाया था, तो काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि कढ़ाई चेंज कर दे। तो ये कढ़ाई ना हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें खाना बहुत अच्छा भी बनता है और जल्दी से पक भी जाता है, तो इसलिए हम ये कढ़ाई चेंज नहीं करते हैं। और एक कमेंट और आया था मेरे कि जब तेरे यूट्यूब से पैसे आ जाएंगे तो सबसे पहले उससे बर्तन लेना ब्लॉग बनाने के लिए।
तो पता नहीं किसका था, इतना मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि ये कमेंट आ रखा था, तो उनको भी मैं बता दूं यार बर्तन काफी सारे हैं हमारे पास। जैसे कि ये कढ़ाई देख रहे होंगे आप, ये कढ़ाई भी मेरे को मेरी सगाई में मिली थी, मतलब ताया जी लोगों ने दी थी, तो मेरे पास ये जो कि बर्तन नहीं है, बर्तन काफी सारे हैं, लेकिन हमें अच्छा उसी कढ़ाई में लगता है बनाने, जो कढ़ाई है तो क्यों ना बनाए यार उस कढ़ाई में, जिस कढ़ाई में हमें अच्छा लगता है खाना बनाना। और दूसरी बात, तो दोस्तों जब हम भगवान मतलब श्रीनगर जा रहे थे तो भगवान में हम रुके पेट्रोल डलाने के लिए, तो हम वहां पे रुके तो हमने सोचा कि पेट्रोल डला देते हैं, स्कूटी बल्कि मैं ही चला रही थी, तो हम भगवान में रुके पेट्रोल डलाने के लिए, और वहां पे हमारे साथ जो हादसा हुआ है ना वो मैं कभी भूलूंगी ना अपने आप को कभी भूलने दूंगी। यार आज के डेट में लोग बहुत ही ज्यादा लापरवाह हो रहे हैं, लापरवाह हो ही नहीं रहे हैं, हो चुके हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आज के डेट में लोगों को ना अपने आप से मतलब है, और किसी और से तो बिल्कुल भी मतलब है, तो किसी और से मतलब नहीं तो जानवरों से भी क्या ही मतलब होगा उन्हें। तो हमारे साथ ये हुआ कि हम पेट्रोल भरा रहे थे, तो हमारा ध्यान वहीं पे था कि यहाँ पेट्रोल भर रहा है, तो एक गाड़ी वाला पेट्रोल भरा के जा ही रहा था, और वहां भी एक छोटे से कुत्ते का बच्चा था और उसकी माँ थी, उसकी माँ थोड़ा सा उससे दूर क्या चले गई, तो कुत्ते का बच्चा वहां पे छोड़ गया था, उसके कुत्ते के बच्चे के क्या ही कसूर था, और जो गाड़ी वाला था उसने जो कुत्ते का बच्चा था वहां पे उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, उसके सर में गाड़ी चढ़ा दी और खुद भाग गया, ये नहीं कि पीछे देख लूं क्या हुआ क्या था, मतलब थोड़ी सी भी दया नहीं आई उस इंसान को, कैसा आदमी था मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा, खास वो बंदा मुझे दोबारा मिल जाता तो उसको जरा मैं ढंग से समझाती कि कैसा होता है, मतलब मैंने तो उस टाइम सबको मतलब वहां पे सब थे तो मैंने कहा यार कैसा आदमी है जो ये इस बच्चे को मार के चला गया है, कम से कम मुड़ के तो देखता है कि बच्चा कैसा है, मर गया है क्या है, अगर मर भी गया था तो सॉरी बोल देता, कुछ तो कर लेता, और लेकिन नहीं वो सीधा चला गया, तो मुझे बहुत ही बुरा लगा यार उस कुत्ते के बच्चे को, मैं तड़प तड़प के देख रही थी उसकी तड़प तड़प के मौत हुई मेरे सामने, मुझे तो हाथ मैंने उस पर फुट टच किया उसको जब वो लास्ट टाइम मर रहा था, तो मैंने उसको दोस्तों जब मर रहा था तो मैंने उसके शरीर पे हाथ फेरा अपना अच्छे से ऐसे से फेरा उसको, मैंने कहा यार अब मरने वाला है, क्योंकि वो तड़प रहा था, वो ऐसे से उसके हाथ पाँव क्योंकि उसके सर में गाड़ी चढ़ गई थी, तो अब चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो सर में गाड़ी चल जाए तो इंसान कभी जिंदा नहीं रह सकता, तो वो कुत्ते का बच्चा था, इतना सा कुत्ते था, मुझे बहुत दया आई वहाँ पे। और जो पेट्रोल भरे थे वो भैया भी वहाँ पे गए यार कि ये देखो कैसे हो गया है, उसके जो भाई बहन थे वो तो बिक गए थे, वो ही बचा था लास्ट, शायद उसकी मौत आई हुई थी आज तो मर चुका है। मुझे बहुत बुरा लगा यार उसकी माँ पे क्या बीती होगी जब उसकी माँ ने अपने बच्चे को देखा होगा मरते हुए, मैं तो ये सोच रही थी अगर उसकी माँ होती वहां पे तो क्या करती, क्योंकि अपने बच्चे को तड़पते तड़पते मरते हुए कोई माँ नहीं देख सकती है, तो वो तो जानवर है, जानवर भले कुछ बोल नहीं पाते इसका मतलब तुम ऐसा करो, यार मैं उन सब से विनती करती हूँ जो जानवरों के साथ ऐसा करते हैं, वो भी तो हमारे जैसे हैं यार, भले वो बोल नहीं पाते हैं लेकिन समझे करो ना यार बात, और हमसे तेज तो जानवर हैं, वो बेचारा वो कुत्ता जो सबकी रखवाली करता है सबके घर की रखवाली करता है, और हो ना हर किसी के पास कुत्ता होगा ये मैं बोल सकती हूँ, भले हमारे पास नहीं है लेकिन हमारे जो मायके साइड में कुत्ते हैं, मुझे ना कुत्ते बहुत ही पसंद हैं, जो कि अच्छे होते हैं कुत्ते सभी के लिए, और कितनी हेल्प करते हैं कुत्ते हमारी, वो तो आपको भी पता है बंदर भगाने में घर की रखवाली करने में, तो आप सब से यही विनती करती हूँ कि आप जानवरों की कदर करना सीख लो प्लीज़, जो जानवरों को मारते हैं, मैंने बहुत सारे यहाँ देवप्रयाग में भी देखा है गायों को मारते हैं ससुर जी मारते हैं, क्योंकि मारते नहीं है मतलब भगाते हैं ऐसी डंडे से डराते हैं उनको जब हमारे घर में आ जाती है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी सच बोलूँगी, मैंने आज तक कभी जानवरों को नहीं मारा है, हाँ मुर्गी खाती हूँ मैं ऐसे चिकन तो मैं खाती हूँ, लोग मुझे पता है कमेंट करेंगे यार तू खुद चिकन खाती और हमें ऐसे एडवाइस दे दिया है, तो मैं उनको बता दूं मैं सामने पे तो मेरे सामने मरता ना तो मैं कभी नहीं खाती हूँ, अब चिकन ला जाते तो खाना पड़ता है, वो दूसरा बंदा मार रहा है कौन सा हम मारे, हम खुद मार के कभी नहीं खाया, मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने खुद मार के खुद नहीं खाया, तो मैंने देवप्रयाग मार्केट में देखा है जैसे कि गायें ना सब्जी लगी रहती है बाहर हरी भरी, तो हरी भरे घास को देख के हर कोई जाएगा मतलब हर कोई गाय जाएगी खाने के लिए, तो गायें जाती हैं तो लोग उनको मार के भगा देते हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए यार, कम से कम उनको खाना दे दो तुम अलग से, दो तीन पत्तियां दे दोगे तो तुम्हारे भी कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा, बल्कि तुम गाय माता की सेवा करोगे ना तो तुम्हें और बढ़ के मिलेगा, ये मत सोचो कि हमारा नुकसान हो रहा है बल्कि वो तुम्हें और ज़्यादा बढ़ के मिलेगा, तो प्लीज़ ऐसा मत किया करो।
खैर दोस्तों, जिसको समझना होगा समझेगा, जिसको नहीं समझना मत समझे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। लेकिन जानवरों की कदर करना सीख लो, जैसे कि खैर छोड़ो अब आगे क्या बोलना है। तो अभी बनाते हैं खाना और कल है नामकरण, और उसका नाम क्या रखेंगे वो आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा। वैसे तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट तो बन चुका है और आज हम ही ने मनाया है दोनों का, मतलब सूर्यांश का तो पहले से बना हुआ था लेकिन उसका जो एड्रेस वगैरह था बहुत ही ज़्यादा गलत था, उसको सही करवाया। और जो न्यू बेबी है उसका भी बना दिया है बर्थ सर्टिफिकेट, तो उसमें उसका नाम क्या रखा है वो आपको ब्लॉग में पता चलेगा। तो दोस्तों, नामकरण का ब्लॉग तो परसों आएगा, कल है नामकरण, तो उसका नाम क्या रखेंगे, क्या होगा, जो भी होगा ए टू जेड वो आपको ब्लॉग के माध्यम से पता चल जाएगा है। तो उसका नाम तो मुझे पता है क्या रख दिया है, लेकिन आपको नहीं बताएंगे और देखते हैं कैसे। मैंने तो बहुत कुछ सोचा था यार कि मैं ऐसे ऐसे करूँगी, ऐसे ऐसे करूँगी, लेकिन कुछ नहीं हो पाता यार। जो सोचते हैं प्लान पहले से करते हैं वो हो नहीं पाता है, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसी हुआ है। मैंने सोचा था जब बेबी को घर लेके आएंगे तो बहुत ही अच्छे से उसका वेलकम करेंगे, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। मैंने सोचा केक वेक कट करेंगे, वो भी नहीं हो पाया। तो मेरे साथ जो मैं सोचती हूँ वो कभी होता नहीं है। बाकी यार चलो खाना बनाते हैं, लेट भी हो रही है, मेहमानों को लग जाएगी भूख। गाइस ये देखो हमारा चिकन बन चुका है, एकदम रेडी हो चुका है। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे जो कि मैंने गर्म करने के लिए रखा हुआ है। तो देखो दोस्तों, दिखने में इतना अच्छा लग रहा है तो खाने में कितना टेस्टी होगा।